इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर में यूज कैसे कर सकते हो। तो कई सारे जो तरीका है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर में यूज कर सकते हो। तो गाइस, आपको किसी भी जगह से आपको फोटोज वीडियो सॉन्ग को कंप्यूटर में डालना है तो पेन ड्राइव से आप कर सकते हो। किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है तो पेन ड्राइव से कर सकते हो। तो कई सारे जो तरीका है कि पेन ड्राइव है वही आपको पीसी में यूज कर सकते हो। तो पेन ड्राइव को आपको पीसी में कैसे कनेक्ट करना है और कैसे यूज करना है, तो जितना जो प्रोसेस है तो सभी प्रोसेस आज के वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे इस तरह नए वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मेरे भाई, मैंने पीसी को ऑन कर दिया है, और ऑन करने के बाद इस हमारा जो पेन ड्राइव है तो इस पेन ड्राइव को हमें पीसी में यूज करना है, यानी कि कंप्यूटर में यूज करना है। तो कई सारे जो तरीका है कि पेन ड्राइव है वही आपको पीसी में यूज कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले यूज करने के लिए जो पेन ड्राइव है वही आपको सीपीयू में यूएसबी पोर्ट में आपको उसमें कनेक्ट कर देना है। तो चलो मैं पेन ड्राइव को सीपीयू में कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमारा सही से कनेक्टेड हो गया है, और कनेक्ट होने के बाद चलिए मैं जो पीसी की स्क्रीन है वही मैं ओपन कर देता हूँ। तो गाइस, अब देख लीजिए कि हमने पीसी की स्क्रीन ओपन कर दिया है, और इस हमारा जो पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव को हमें देखने के लिए हमारे कंप्यूटर को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद जो भी हमने पेन ड्राइव को कनेक्ट किया है वही उसमें हमें देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए पेन ड्राइव को सबसे पहले हमें ओपन करते हैं। तो गाइस, आपने जो पेन ड्राइव को कनेक्ट किया है पीसी या लैपटॉप में तो वही आपको ओपन करना है। तो चल मैं पेन ड्राइव को ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद हमें पेन ड्राइव को यूज करने के लिए कई सारे जो तरीका है कि दूसरा पीसी से इस पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के बाद सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। डेटा है वही आपको पेन ड्राइव से ट्रांसफर कर सकते हो। मोबाइल का डेटा है वही आपको कंप्यूटर में पेन ड्राइव से ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलो मैं सबसे पहले पेन ड्राइव को ओपन कर देता हूँ। तो अभी स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा पीसी में मैंने पेन ड्राइव को ओपन कर दिया है, और ओपन करने के बाद आपका कई सारे जो तरीका है कि पेन ड्राइव का डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को ट्रांसफर कर सकते हो, कई सारे इमेज सॉन्ग वीडियो होता है वही आपको एक दूसरा पीसी से मोबाइल से पेन ड्राइव से ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन मैंने पेन ड्राइव को ओपन किया है तो पेन ड्राइव में हमारा कई सारे जो डेटा है, मान लीजिए इस डेटा को हमें पीसी में ट्रांसफर करना है तो मैं सबसे पहले जो डेटा है वही मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो आपको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन को प्रेस करके आपको माउस से क्लिक करके इस तरह डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने दो वीडियो और एक्सेल का फाइल है वही मैंने सिलेक्ट कर दिया है, और आपको उसमें माउस से राइट साइड क्लिक करना है। राइट साइड क्लिक करने के बाद आपका डेटा है जो पेन ड्राइव में डेटा है वही आपको पीसी में ट्रांसफर करना है। तो आपको राइट साइड क्लिक करके कॉपी पे क्लिक करना है। तो चलो मैं कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपका पीसी में जो भी फोल्डर है जिस फोल्डर में आपको ट्रांसफर करना चाहते हो इस फोल्डर को ओपन करना है। तो मान लीजिए हमारा पीसी में कई सारे जो फोल्डर है, तो चलो मैं म्यूजिक का फोल्डर है वही मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद चले उसमें मैं डेटा को ट्रांसफर करता हूँ, लेकिन मैं एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ। तो माउस से राइट साइड क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो। तो हमारा न्यू फोल्डर बन गया है, तो इस फोल्डर का मैं नाम टाइप करता हूँ 693। चले मैंने इस तरह फोल्डर का नाम पे नाम चेंज कर दिया है, और इस फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको माउस से राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको पेस्ट पे क्लिक करना है। तो गाइस, हमारा जो पेन ड्राइव का डेटा था वही हमारा पीसी में ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको इस तरह पीसी में डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, और पीसी का डेटा है वही आपको पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर सकते हो। तो गाइस, आपको इस तरह पेन ड्राइव को पीसी में यूज कर सकते हो। कई सारे तरीका है कि आपको इस तरह डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि हमारा पीसी में डेटा ट्रांसफर हो गया है, लेकिन मैं फिर से पेन ड्राइव को भी ओपन करके आपको बता देता हूँ कि जो भी हमने डेटा को ट्रांसफर किया है वही हमारा पेन ड्राइव में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलो मैं पेन ड्राइव को ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो गाइस, अब देख लीजिए कि हमारा पेन ड्राइव में भी डेटा शो हो रहा है, और इस डेटा मैंने पीसी में भी ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन आपको पेन ड्राइव को हटाना है, जो सीपीयू से निकलना है। तो गाइस, आपको डायरेक्ट पेन ड्राइव को नहीं निकलना है, क्योंकि आपका पेन ड्राइव है उसमें वायरस आ सकता है, पेन ड्राइव आपका खराब हो सकता है। तो पेन ड्राइव निकालने के लिए सही तरीका क्या है
तो चलो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ, और क्लोज पे क्लिक करने के बाद चले फिर से मैं माई कंप्यूटर को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद आपको सीपीयू से पेन ड्राइव को निकालने के लिए पेन ड्राइव पे आपको माउस से राइट चैट क्लिक करना है, और राइट चैट क्लिक करने के बाद आपको इजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैं इजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी स्क्रीन पे देख लीजिए कि पेन ड्राइव को मैं इजेक्ट कर देता हूँ, तो हमारा पेन ड्राइव पीसी से रिमूव हो जाएगा, लेकिन उसमें शो नहीं होगा। तो अभी देख लीजिए कि मैंने इजेक्ट कर दिया है, और सेफ टू रिमूव हार्डवर्क लिखा आ रहा है, क्योंकि हमारा जो पेन ड्राइव है वही हमारा सही से सेफ से हट गया है। तो कैसे आपको इस तरह पेन ड्राइव को डायरेक्ट नहीं निकलना है, इस तरह आपको इजेक्ट करके निकलना है, और इजेक्ट करने के बाद आपका पेन ड्राइव है वही आपको सीपीयू से हटा सकते हो, यानी कि रिमूव कर सकते हो। लेकिन हमारा पीसी में अभी शो नहीं हो रहा है, पेन ड्राइव कनेक्ट है लेकिन शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो उसका डेटा है वही हमने जो रिमूव कर दिया है। तो इस तरह आपको पेन ड्राइव निकालने के लिए सही तरीका मैंने आपको बता दिया है, और पेन ड्राइव को पीसी में यूज करना है तो इसी तरह आपको आसान तरीके यूज कर सकते हो। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।